Hey, what's up, everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इम्पोर्टेंट टेंस का आगे के टॉपिक्स। ओके, तो इससे पहले अपने इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जीन्स पढ़ा, क्रोमोसोम्स पढ़ा, क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में साइन भी देखा कि किस साइन के द्वारा हम मेल या फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम अपने टर्म्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे टर्म्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपके कॉपी में आप ये नोट डाउन ना हो, आप प्लीज़ एक बार अपने नोट्स चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी ऐसा टर्म्स है जो आपके कॉपी में ना लिखा हो तो आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे टर्म्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का भी ये टर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। बहुत ही कॉमन है क्योंकि इससे आगे की क्लासेस में हम लोग क्रॉसेस पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, ये सारी चीज़ हम लोग उसमें देखेंगे। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो डोमिनेंट वर्ड से क्लियर है, डोमिनेंट मतलब राजा, ये समझ लो आप अपने आप में। एग्जाम्पल के तौर में एक्चुअल में डोमिनेंट का मीनिंग हिंदी में राजा नहीं होता है। मैं एक्चुअली आपको समझाने के लिए बोल दी कि सपोज क्या है डोमिनेंट का मतलब राजा। आप जैसे क्लियर समझ में आ रहा है ना, मतलब कि वो अपने आगे किसी को नहीं समझेगा। मतलब जो भी जीन्स प्रेजेंट है, अगर उसके साथ कोई रिसेसिव जीन भी प्रेजेंट होगा तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर डोमिनेंट है, अगर कोई भी, अब क्या होता है नॉर्मल केस में आपने बहुत देखा होगा, जहाँ पे भी किंग होता है या राजा जहाँ पे भी जाता है तो सब उसे ही देखते हैं, मतलब उसके सामने किसी की भी वैल्यू नहीं होती है। तो कुछ इसी तरह से हमारे डोमिनेंट जीन भी है, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट जीन क्या होता है? द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन। एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने टू एग्जांपल्स दिए हैं, कैपिटल टी टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है, हमारे जीन है। क्या है? जीन है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे क्या, मैंने जीन का एग्जाम्पल लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने देखा होगा इसमें तो ये क्या है, एकदम सेम फॉर्म में प्रेजेंट है कैपिटल टी, बट इसमें आप देख रहे हो अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। एक में से एक कैपिटल है, दूसरा स्मॉल टी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल टी है तो आप इसको कहेंगे टॉल प्लांट। क्या कहेंगे? कैपिटल टी है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, टॉल प्लांट, ठीक है। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, ड्वार्फ नहीं पढ़ेंगे, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, टॉल प्लांट पढ़ेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो गया, जब एक टॉल प्लांट है तो दूसरा ड्वार्फ होना चाहिए। तो इससे पहले मैंने आपको बोला था डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या है एक्चुअली में, आप देख रहे हो कि यहाँ तो आपने बता दिया कि यहाँ पे टॉल प्लांट है, बट इसके साथ हमारा एक स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, तो जिसके कारण हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे ड्वार्फ होगा। बट एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी भी तो प्रेजेंट है, और जैसे कि मैंने बोला ये डोमिनेंट है। मीन्स अगर डोमिनेंट के साथ कोई रिसेसिव जीन, कोई अगर स्मॉल लेटर का जीन जैसे स्मॉल टी प्रेजेंट है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब कि ये हमारा जो कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी वाले फंक्शन को क्या कर देता है, पूरी तरह से सप्रेस कर देता है। मतलब क्या होता है, सपोज ये क्या है, कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, ठीक है। तो कैपिटल टी की, क्योंकि ये जीन क्या है हमारी, डोमिनेंट है कि नहीं, ये जीन हमारी क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट जीन होने की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसके बगल वाली जो जीन होती है, जो कि रिसेसिव है, आप कह सकते हो ये क्या है, रिसेसिव जीन। इसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव जीन, ठीक है। तो रिसेसिव जीन, एक डोमिनेंट हो गया, एक रिसेसिव जीन हो गया। तो डोमिनेंट की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि अपने बगल वाली जीन, मतलब रिसेसिव जीन जो है, इसके फंक्शन को ये सप्रेस कर देगा। इसके फंक्शन को ये क्या कर देगा, पूरी तरह से आप कह सकते हो सप्रेस कर देगा, या आप कह सकते हो ये क्या कर देगा, इनएक्टिव, या आप कह सकते हो कि ये क्या बना देगा उसको, पूरी तरह से इनएक्टिव। मतलब ये किसी भी तरह का फंक्शन नहीं करेगा पूरी तरह से। यहाँ पे कौन डोमिनेंट है, कैपिटल टी, ठीक है। तो अगर क्रॉसिंग के टाइम पे, जो हम अपने आगे की फर्दर स्टडी में करेंगे, अगर कैपिटल टी प्रेजेंट हो या कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट हो,
तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? टॉल। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? टॉल। लेकिन अगर कंडीशन हमारी क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर स्मॉल टी है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ड्वार्फ। क्लियर? हम क्या कहेंगे इस कंडीशन को? हम हमेशा क्या कहेंगे? टॉल प्लांट। मतलब आप ये भी कह सकते हैं ये हमारी डोमिनेंट जीन है। बट ये कंडीशन जिसमें कि एक भी आपको डोमिनेंट जीन दिख रहा है नहीं, इसमें हमारा एक भी कैपिटल टी नहीं है, इसमें हमारे रिसेसिव जीन है। इट मीन्स ये कैसे प्लांट होंगे हमारे? ड्वार्फ। क्लियर? डोमिनेंट जीन आपको समझ में आया कि ये क्या होते हैं? ये रिसेसिव जीन जो होते हैं, इस तरह की जीन्स जो होती हैं, जो रिसेसिव जीन्स होती हैं, उसके फंक्शन को पूरी तरह से ये इनएक्टिव कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं और अपने आप को ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे नॉर्मल केस में क्या होते हैं, जो किंग होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा उन्हीं की वैल्यू होती है और उनके सामने जो छोटे मोटे जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, क्या उसी को वैल्यू करते हैं? नहीं, जो राजा होता है, जो किंग होता है, वो उनके पूरी तरह से हावी होता है, उनके तब पूरी तरह से हावी होता है कि नहीं, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, मतलब सब किंग की ही वैल्यू होती है। वो सबके फंक्शन को पूरी तरह से इनएक्टिव कर देता है, बस वहाँ पे डोमिनेंट कौन होता है? किंग। तो कुछ इस तरह ही है हमारा डोमिनेंट जीन की कहानी। ठीक है, तो हम लोग रिसेसिव जीन में पढ़ते हैं। तो रिसेसिव जीन क्या होता है? हमने भी थोड़ा बहुत डोमिनेंट जीन में देखा। ये जो हमारे रिसेसिव जीन है ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेंगे जब दोनों टी कैसे हों? स्मॉल टी। क्लियर? ये अपने जीन को तभी एक्सप्रेस करेंगे जब दोनों जीन हमारे कैसे हैं? स्मॉल टी। ठीक है, अगर वो इस कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो क्या अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे? नहीं, क्योंकि उनके साथ कौन सा जीन प्रेजेंट है? डोमिनेंट कैपिटल टी, जो कि उसके फंक्शन को पूरी तरह से सप्रेस कर देगा। क्लियर? तो ये हमारा रिसेसिव जीन है। नेक्स्ट होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? ये जितने भी आपको जीन दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जितने भी जीन्स हैं इन सबको हम जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिस तरह की जीन्स प्रेजेंट होती हैं उसको जिस तरह से एक्सप्रेस किया गया है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो इसको हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप मतलब आप जिसको देख के बता दो ये जो प्लांट है ये टॉल है, ये शॉर्ट है, इसका येलो कलर है, इसका रेड कलर है। आप क्या कर रहे हो? उसको देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो और उसके आप कैरेक्टर्स को इजीली बता दे रहे हो। तो ये क्या है? फिनोटाइप्स होते हैं। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक विजुलाइज है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि आप किसी भी प्लांट को देख सकते हो, बता सकते हो ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, या ये येलो कलर है, ये ब्राउन कलर है, जो भी है आप उस चीज़ को ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये ओवरऑल हमने डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन और जीनोटाइप फिनोटाइप देखा। लेकिन आगे भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। ठीक है, इसमें आपका सभी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपने नोटबुक में नहीं लिखा है तो उसको ज़रूर से लिख लेंगे और अच्छे से इसको पढ़ के अपने दिमाग में बैठा लेंगे। अगर ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे तो क्रॉसिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम मेंडल्स लॉ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा मेंडल्स लॉ, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट आगे का पोर्शन कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी क्लास। तो हम लोग ने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे थे अभी तक, एंड आई होप आपको सारे टर्म्स अभी तक के क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के कुछ और टर्म्स हैं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका? F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, डोमिनेंट, रिसेसिव जीन, ये सारी चीज़ें हम लोग क्रॉसिंग के टाइम पे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो क्रॉसिंग करने से पहले अगर हम ये टर्म्स को समझ लेंगे तो हम सबके लिए ईजी होगा समझने के लिए और आप इजी चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो F1 जनरेशन क्या होता है? व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस फ्यूजन। जब दो पेरेंट्स क्या करते हैं, क्रॉस होती है, उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होती है और क्रॉसिंग होने के बाद जो प्रोजनी प्रोड्यूस होती है,
उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। क्लियर। F2 जनरेशन क्या है? अब नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, जो प्रोजनी बन करके तैयार हो रही है, जब उस प्रोजनी को वापस से क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम कहते हैं, जो उससे बनने वाली जो प्रोजनी तैयार हो रही है उसको हम F2 जनरेशन कहते हैं। ठीक है। When the first generation progeny cross themselves, जब जो प्रोजनी हमारी न्यू बन करके तैयार हुई उसको जब वापस से हम उसी से क्रॉसिंग कराएंगे तो उससे जो बनने वाली हमारी न्यू प्रोजनी है उसको हम F2 जनरेशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे F1 जनरेशन, F2 जनरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो F1 है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फीलियर जनरेशन। हम क्या कहते हैं इसको? फीलियर जनरेशन। ठीक है। तो F2 जनरेशन क्या है? When the फर्स्ट जनरेशन प्रोजनी क्रॉस देमसेल्फ टू प्रोड्यूस सेकंड जनरेशन प्रोजनी। क्लियर। तो जब हमारी वो प्रोजनी वापस से उसको हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो उससे बनने वाली न्यू प्रोजनी को हम सेकंड जनरेशन प्रोजनी कहेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? एक्चुअली जब पेरेंट्स की क्रॉसिंग होती है और जो उससे प्रोजनी बनती है, अब जो प्रोजनी बन करके तैयार हो रही है उसमें कुछ जीन हमारे फादर के होंगे, कुछ जीन उसके मादर के होंगे, तो ये क्या है? हाइब्रिड बन करके तैयार है। जो प्रोजनी बन करके तैयार होती है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मिक्स होता है, मिक्सअप होता है। मिक्सअप मीन्स कुछ जीन उसके फादर के, कुछ जीन उसके मदर के हैं, तो वो एक हाइब्रिड बन करके तैयार होता है। हाइब्रिड क्या है? अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ प्लांट। जब हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट को क्रॉस करते हैं उससे प्रोजनी बन करके तैयार हुई, तो उस प्रोजनी में कुछ उसके जो जीन्स है उसके फादर के होते हैं, कुछ मदर के होते हैं, तो इस तरह के प्रोजनी को हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप कहें तो प्रोजनी को हम हाइब्रिड भी कह सकते हैं। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? स्टडी ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम किसी एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, किसी वन पेयर की, सपोज हम हाइट ऑफ प्लांट, हम लोग क्या करेंगे? हाइट ऑफ प्लांट की स्टडी करेंगे, तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइज ऑफ द सीड भी स्टडी करेंगे, कलर ऑफ द फ्लावर भी स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे हमारे ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करेंगे, जैसे कि हाइट ऑफ अ प्लांट। तो हाइट ऑफ अ प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक में क्या उसका रिजल्ट होगा? दो ही रिजल्ट होंगे, या तो वो जो हाइट होगी प्लांट की वो टॉल हो सकती है या वो ड्वार्फ हो सकती है। तो इस तरह की, मतलब जब हम सिंगल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं किसी भी प्लांट की, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है? स्टडी ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मोनो आप टर्म से भी समझ सकते हैं, मोनो मतलब क्या होता है? वन, और डाई मतलब क्या होता है? टू। मतलब जब टू पेयर्स का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी टू कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हमने येलो कलर ऑफ द फ्लावर हमने बोल दिया, जैसे येलो है और दूसरा क्या है? ग्रीन है, तो ये क्या है? कलर हो गए फ्लावर्स के। और क्योंकि यहाँ पे हमें टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी पढ़नी है, तो पहला तो हमने कलर देख लिया और दूसरा शेप देख ले, तो ये क्या, हम लोग यहाँ पे टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, इसलिए हम डाईहाइब्रिड क्रॉस इसे कहते हैं। स्टडी ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शेप एंड कलर ऑफ प्लांट। अगर किसी भी प्लांट से जैसे हमने कलर देख लिया, उस फ्लावर का कलर की स्टडी कर ली और शेप की स्टडी कर ली, तो यहाँ पे हम टू कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट टर्म्स के सारे टर्म्स, हमारे जो भी हेरिडिटी के इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारे टर्म्स हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। ठीक है। तो ये टर्म्स अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, तो अब हमें हेरिडिटी चैप्टर्स के जो क्रॉसिंग है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंडल्स लॉ, उनके क्रॉसिंग्स, उनके लॉ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टर्म्स आप लोग एक बार वीडियो वापस से अच्छे से देख कर उसको स्टडी करके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म पर हम लोग अपने क्रॉसिंग करेंगे और मेंडल्स के बारे में भी स्टार्ट करेंगे। ओके। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरीज अगर आपको हो रही हो पढ़ाई के टाइम पे, तो आप उसको प्लीज़ ग्रुप पे पूछ लेगा। ओके। थैंक यू।